आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही है आप सभी को। साथ ही साथ कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो नंबर आपके सामने है जो है 85.98 करोड़ के आसपास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ और जानते हैं कि कौन सी है वो कंपनी और क्या है उनके बिजनेस पोर्टफोलियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोजारी बायोटेक कंपनी के बारे में, जिसको हम लोग पहले रोजारी लैबटेक के नाम से जानते थे। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में एज अ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन मिस्टर एडवर्ड वॉल्टर एंड मिस्टर सुनील श्रीनिवासन। साथ ही साथ ये कंपनी आपके लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर रहे हैं इंडिया में। इनके अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमाइज सॉल्यूशन जितने भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके कस्टमर्स के उनको। यहाँ अगर हम लोग बात करें जो इन कंपनी के जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, द सेकेंड वन इज टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द थर्ड वन इज एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। अब इन तीनों कैटेगरीज के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से वैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग होम पर्सनल केयर की बात करें, इनमें आपको नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट्स, इंक, पेंट एंड कोटिंग्स, वैसे ही आपके कुछ सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट और परफॉर्मेंस एडिटिव्स वगैरह ऐड हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, तो यहाँ आपके कॉटन, पॉलिस्टर, आर्किलिक, उसके साथ ही साथ वुल, नाइलॉन एंड मेनी मोर आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। द थर्ड वन इज एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यहाँ आप देख सकते हैं पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशंस वगैरह के प्रोडक्ट आपको ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। उसके बाद बात करें तो ये आपके लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहे हैं आपके पॉलीमर्स में इंडिया में, और साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चर करते हैं नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स के लिए जो हमने अभी पिछले स्लाइड में भी बात की है, जैसे आपके हो गए सोप एंड डिटर्जेंट एंड आपके पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी प्रोडक्ट आपको बनाते हुए नज़र आते हैं। वैसे ही अगर बात करें यहाँ पे तो केमिकल फॉर्मुलेशन भी आपको ये कंपनी क्लीनिंग केमिकल फॉर्मुलेशन बनाती हुई नज़र आती है जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट में, आपके एयरपोर्ट्स, कॉरपोरेट फूड सर्विसेज, मॉल्स, या फिर आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इन्होंने अपने जो बिज़नेस पोर्टफोलियो उसको और एक्सपैंड किया है, जहाँ से आपके होम और पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स और भी इन्होंने ऐड किए हैं टू वाटर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन और साथ ही साथ स्पेशलिटी फॉर्मुलेशन फॉर ब्रेवरीज एज वेल एज डेरीज। तो डेरी प्रोडक्ट के अंदर भी इन्होंने कुछ चीज़ें अभी एड ऑन की है अपने काम के तौर पर। उसके बाद बात करें बिसाइड द कंपनी प्रोवाइड स्पेशलिटी केमिकल्स, इनके जो इंटायर वैल्यू चेन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, जो कि स्टार्ट होते हैं फाइबर टू लेके आपके फाइबर से यॉन टू फैब्रिक और वहीं वेट प्रोसेसिंग और गारमेंट प्रोसेसिंग के ऊपर भी आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। कंपनी के पास आपको और डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज नज़र आ रहे हैं जो कि आपके एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन के तौर पे भी आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि करंटली सप्लाई कर रहे हैं आपके पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स और एडिटिव्स, साथ ही साथ जो पेट ग्रूमिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो, वहीं आप देख सकते हैं पेट ट्रीटमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या एडल्ट पेट्स के लिए जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एनालिस्ट के ऊपर, तो यहाँ आपको 100% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले आप करेंगे रिसर्च एनालिसिस और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिविडेंड के ऊपर, तो यहाँ आप देखेंगे जो वैल्यूएशन में डिविडेंड नज़र आ रहे हैं वो आपके 0.05% के आसपास है। EPS यहाँ आप कह सकते हैं कि इनके ठीक ठाक से EPS भी हैं जो कि 17.39 के आसपास देखने को मिले हैं। वहीं अगर इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी जहाँ 25 है वहीं आपको स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ रिटर्न, रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है कंपनी को मार्केट में डेब्यू किए हुए, तो इस एक साल में अगर हम लोग यहाँ रिटर्न देखते हैं तो आपको 1% ओनली नज़र आए हैं। और जिस तरीके से मार्केट में कुछ महीनों से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी वॉलीटिलिटी बनी हुई है, जिस वजह से भी आपको चीज़ें जो इसमें हैं वो बहुत अच्छी रिटर्न के तौर पर नज़र नहीं आई है।
वहीं अगर 3 मंथ्स की बात करें या 6 मंथ की बात करें, आपके माइनस में या आप कह सकते हैं नेगेटिव में रिटर्न रहे हैं। बट जो हमने अभी सबसे फर्स्ट स्लाइड की बात की थी, ये आपके एक डेट फ्री कंपनी के तौर पे अभी फ़िलहाल आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम इस कंपनी के परफॉर्मेंस ऐसे ही दिखने वाले हैं। कंटिन्यू आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं और आगे आने वाले समय में ये कंपनी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई भी नज़र आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे बात करें इनके जो फिनेंशियल्स हाइलाइट्स हैं उसके ऊपर, तो यहाँ आप देखेंगे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आ रहे हैं YOY बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो क्वार्टर 3 के नंबर्स जो रहे हैं इस बार करोड़ में, 428 करोड़ के आसपास का इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स आए थे। वहीं अगर पिछले अगर हम लोग क्वार्टर 3 के मुकाबले यहाँ कंपेयर करें तो आपको आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 104% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। और वहीं अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दैट मीन्स FY22 के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं आपके 384 करोड़ के आसपास, और इस बार के तो नंबर्स आपके सामने हैं ही जो कि है 428 करोड़ के आसपास। तो यहाँ आपको 11% के आसपास का जंप देखने को मिला है। सिमिलरली बात करें अगर हम लोग पैट के ऊपर, एबिटा के भी आपके सामने नंबर्स यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि YOY बेसिस पे 37% के आसपास का जंप रहा और क्वार्टरली बेसिस पे 6% का जंप देखने को मिला है। पैट की जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो पैट में आपको YOY बेसिस पे 5% के आसपास का जंप नज़र आया, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ आपको माइनस या फिर आप कह सकते हैं डिक्लाइन में 14% नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर नंबर निकल के आ रहे थे वो थे 26.2 करोड़ के आसपास। इस अगर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 22.5 करोड़ के आसपास इनके नंबर्स बने हैं। तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ आपको नेगेटिव में या आपके डिक्लाइन में परसेंटेज नज़र आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो जो 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें आपको इस एक साल में डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिले हैं, जो कि आप देखेंगे 5 ईयर्स में जहाँ आपके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जो 45% थे एंड देन 3 ईयर्स में आपको ये बढ़ते हुए नज़र आए थे 65% के आसपास, वहीं आपको डिक्लाइन में ये अब नज़र आ रहे हैं पिछले 3 साल के मुकाबले 15% के लगभग। अब वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ पे आप नज़र डालते हैं तो 90% देन 178% और दिस ईयर इज 21%। तो यहाँ आपको ये नंबर्स जो हैं वो डाउन में जाते हुए नज़र आए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ROE एंड ROCE परसेंटेज, यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन में नज़र आए हैं, बट आप यहाँ कह सकते हैं कि इस एक साल में जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे ही देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें तो हमने सीधा सीधा देखा ही है कि ये आपके डेट फ्री है एंड जो कैश फ्लो है वो आपके 85 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स जो है वो आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिले हैं। उसके बाद जो नंबर्स हैं FIIs एंड आपके पब्लिक के पास 9% के आसपास नज़र आए हैं। उसके बाद देखें DIIs के पास तो 13% के आसपास के आपको होल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ देखें टॉप म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं आपको, ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड, जो कि 2 आपके तो SBI के तरफ से ही हैं। द फर्स्ट वन इज़ SBI स्मॉल कैप जो कि 2.13% के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आए हैं। द सेकेंड वन इज़ SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिनके 1.26% है। उसके बाद जो थर्ड है वो आपकी UTI फ्लेक्सी की तरफ से, एंड द फोर्थ वन इज़ फ्रॉम HDFC मल्टी एसेट्स। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। सीधा यहाँ पे देखें तो ये आपके जो शेयर आप कह सकते हैं डेब्यू करते हुए आपको दिखे थे, बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं आपकी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये आपको अगस्त के आसपास इसकी लिस्टिंग आपको होती हुई नज़र आई थी। सबसे पहले अगर देखें तो इस शेयर के ऊपर अगर हम लोग बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो सबसे हाईएस्ट अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये आपको 1600 के आसपास का इसने एक जो सबसे हाईएस्ट था वो 1600 यहाँ पे निकल के आ रहा है। बट जिस तरीके से आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप या फिर एक डाउनफॉल कह सकते हो, वो 980 के प्राइस तक आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ देखें
तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको ये गिरते हुए नज़र आ चुके हैं काफ़ी लंबे समय से। आप चाहें तो आप एक रिवर्सल का यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, ताकि जब आपको यहाँ से एक रिवर्सल मिले तो आप जो नीचे के प्राइस है या फिर आप कह सकते हैं जो बेटर प्राइस है वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, तो आपके लिए एक बेहतर इसमें आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी का मौका आपको मिलेगा, और उसके बाद उसी वे से आपको प्रॉफिट आगे हो सकते हैं या रिटर्न आपके बन सकते हैं। बाकी अगर आज के वीडियो में हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है। कोई डाउट है अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी हमारे वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके हर एक सवाल का जवाब देने का। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।